हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे सो लोग? बढ़िया। चलो आज मैथ में एक टॉपिक पढ़ेंगे, दो पदों का रैखिक समीकरण। तो उसमें से कुछ सवाल है, देखते हैं। पहला सवाल है हमारा कि संख्या आठ के कोई तीन गुणज है और जिनका टोटल योग है 888, तो उसको हमको तीन गुणज प्राप्त करने कैसे प्राप्त करेंगे? तो समझते हैं। पहले तो आठ के तीन गुणज कैसे बनाएंगे उस चीज को समझें। मान लिया कि गुणज, पहला गुणज है हमारा x, ठीक है, आठ के गुणज। तो पहला हो गया x, आठ के तीन गुणज पहले लेते हैं, आठ के तीन गुणज, तीन लगातार गुणज, कौन कौन से हैं पहले तो देखते हैं। तो पहला मान लिया x, तो एक उसी तरह से दूसरा किया, यहाँ भी आठ लगा दिया, ये भी आठ से बन गया, तो आठ एक्स प्लस वन, इसको भी आठ लगा दिया, ये भी आठ का गुणज बन गया, आठ एक्स प्लस टू। अब आठ के लगातार तीन गुणज हो गए। अब ये सवाल, ये सब गुणज देखिए कह क्या रहा है कि इन तीनों आठ के गुणजों का लगातार गुणज का जो टोटल योग है वो 888 है। तो देखिए लगातार गुणजों का योग आठ के कितना है 888 दे रखा है सवाल में, 888। इस चीज पर फोकस करेंगे तो लगातार गुणजों का योग करेंगे तो क्या करेंगे, गुणज लिख देते हैं, आठ एक्स हो गया पहला, तो योग है तो ऐड करेंगे, आठ एक्स प्लस का वन, फिर से प्लस आठ एक्स प्लस का टू, और योग कितना है वो दे रखा है तो हमको लिखना रहेगा 888। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमको गुणजों का मान प्राप्त करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो 8x को ऐसे उतारो, ब्रैकेट आउट कर देंगे, अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पहले 8x से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 से, तो 8 को ऐसे किया तो 8x हो गया, प्लस 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जा, तो चाहो तो इसको आराम से मल्टीप्लाई करके दिखा दो, प्लस 8 मल्टीप्लाई को बोल रहे हो आठ को मल्टीप्लाई किया एक से, प्लस आठ को मल्टीप्लाई किया टू से, और इक्वल टू क्या है तुम्हारा 888। देखिए ये तो आठ एक्स था, इसको पूरा निकाल दो, तो सॉल्व किया तो क्या आया 8x प्लस 8 गुणा एक्स, सिंपल 8x प्लस 8 गुणा एक करेंगे तो 8 एक 8 प्लस 8 गुणा एक्स, सेम हो गया वही 8x प्लस 8 गुणा 2 करेंगे तो 8 दुनी का 16 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, इनका योग 888 इसका योग आ रखा है। अब ऐसे सवाल को आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, x की जो संख्या टोटल उनको ऐड कर लो और जो बिना x की संख्या है उनको ऐड कर लो, ठीक है। तो हमने किया 8 का पहाड़ा बोल दो, क्योंकि 8x 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 8x
और x का x x जब आप जोड़ रहे हो तो आपकी संख्या है गुणा नहीं होगी, सिर्फ x का x रहेगा। जैसे कि 8 आलू 8 आलू 8 आलू एग्जांपल लिया अपने, तो 24 आलू, तो x कितने 8x 8x 16x 8 24x प्लस 8 और 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 ये हो गया। और टोटल ये कितना चल रहा है हमारा 888। अब देखें हमको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस संख्या को उधर भेज देंगे और हमको पता है इस संख्या को उधर भेजेंगे, तो क्योंकि हमने नेम पढ़ा हुआ है कि प्लस की संख्या को बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो माइनस बन जाती है। तो हमने 24x उतारा बराबर, अब ये 888 ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जो प्लस का 24 था उधर ले जाने पर माइनस का 24 बन गया। 888 में से 24 घटा देंगे, 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6 और 8 का 8, 864 बचा।
और यहां पर 24 का एक्स, ठीक है। अब एक्स का मान ज्ञात करना, तो टारगेट हमारा यही था, इसी का शिकार करना है। तो एक्स बराबर क्या होगा, इस 24 को हम क्या करेंगे, ये गुणा में है, ये 24 गुणा में है, तो इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये भाग में जाएगा, 864 है, इसके भाग में जाएगा तो 2424। अब देखो या तो आपको 24 की टेबल आनी चाहिए, और मैं तो ये रिकमेंड करता हूं आप कम से कम 30+ टेबल याद रखें, तो आसानी होती करने में। अब देखो छोटी टेबल से कर लेते हैं, तो 24 को 8 से काटो, 8 का एक और, 8 का तीन और बड़ा बोला, 8 या 24, इसको कट करोगे, 8 एकम 8, फिर 6 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा, ठीक है, तो 8 8 64। अब 3 का फिर से भाग दे लो, ठीक है, इस संख्या का दोबारा भाग दोगे तो 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 6 18, एक्स का मान हमको कितना मिल गया, 36। ये तो अभी एक्स का मान मिला, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि लगातार 3 गुणज, वो गुणज कौन कौन से हैं? तो पहला गुणज था हमारा 8x, ठीक है, 8 के गुणज, 8 के गुणजों के मान, तो चेक करते हैं मान किस निकलेंगे। देखो पहला गुणज क्या है, 8x, तो 8x का कैसे निकालेंगे, 8 लिख दिया और x का मान हमारे पास है कितना, 36, ओके। दूसरा गुणज 8 और ब्रैकेट में x प्लस का 1, तो क्या करेंगे, 8 का 8 और x की जगह 36 प्लस का 1, ये लिख देंगे। तीसरा क्या है हमारे पास, 8 ब्रैकेट में x और प्लस का 2, तो क्या करेंगे, 8 लिख देंगे और x की जगह 36 और प्लस का 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें 8 का 36 से गुणा करो तो 36 की टेबल आए, आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, 8 से 48 का 8 हासिल की 4, 8 या 24 और 24 में 4 जोड़ते तो 28, तो ये तो पहला हो गया। अब देखो इसमें बड़ा कॉमन सेंस है, या तो आप इसको देखो ऐसे कर लो, 8 इसको सॉल्व करने के लिए या तो 8 लिख लो और अंदर 37, ठीक है, और इधर 8 और मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपको सेम होगा, 36 और 2 38। अब देखो 36 को गुणा किया तो 288 है, 37 गुणा करेंगे तो टेबल में बहुत जोड़ते जाते ना, तो 8 और जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा, 8 और जोड़ेंगे इसका आ जाएगा, या तो इस तरह कर लो और वरना मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर 8 जोड़ते तो कितना आएगा, अगर 88 में 8 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 296, और अगले और 8 जोड़ोगे तो 296 में 8 जोड़ेंगे 304। ये बहुत आसान है टेबल बनाना, ठीक है, तो इस तरह से हमारे 3 गुणज बने, पहला गुणज, दूसरा गुणज और तीसरा गुणज, ठीक है। इसको लेके कंफ्यूज मत होना, ये बहुत आसान है, या तो आप बेसिक मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 56 का 6 हासिल की 5 और 8 3 24 और 5 कितने होते हैं, 29, सिंपल हो गया। इसको करना है तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 3 24 और 6 कितने होते हैं, 30, सिंपल, या फिर जोड़ लो। तो ये हमारा पहला सवाल है, लगातार 3 गुणज हमको मिल चुके हैं। एक और सवाल देते हैं, दो भाई मान लो, एक तो राहुल है एक हारून है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला, पहले भाई का नाम है राहुल, दूसरा है हारून, इनका कहना है कि दोनों की जो आयु है, उम्र है, उसका अनुपात क्या क्या है, एक का 5x है, एक का 7x है, ठीक है, तो x कैसे मान लिया मैंने, पहले तो अनुपात मानो, तो पहले दे रखा उनका 5 और इसका है 7, लेकिन हमको जब भी कोई संख्या कोई उम्र अगर अनुपात में दी गई होती है तो उसको हमेशा एक्स में एज्यूम करना है, मानना है, ठीक है, क्योंकि अनुपात तभी सॉल्व होगा। तो क्योंकि उम्र आयु वर्तमान आयु ये, क्योंकि अभी जो वर्तमान दे रखी है, तो वर्तमान उम्र है क्या, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु है कि देखें, ये तो हो गई 5x और ये हो गई 7x, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, इनका कहना है कि 4 साल बाद इनकी जो उम्र है उसका जो टोटल, 4 साल बाद जो उम्र होगी उसका जो टोटल योग है वो कितना होगा। जो योग है वो आई थिंक ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ओके, वो हो जाएगा आपका 56 वर्ष, ठीक है। तो देखते हैं 4 साल बाद, अब वही फिल्मों की तरह
हीरो बच्चा था, अब बड़ा हो गया तो अच्छा लगा, नया रोल देखेगा। तो चार वर्ष बाद ठीक है, तो 4 वर्ष बाद क्या होगा, जो 5x थी उम्र उसमें 4 साल और जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमको एक बात पता है कि संख्या में संख्या जुड़ती है, अल्फाबेट में संख्या नहीं जुड़ती है। तो x जहां आ गया तो उसमें ऐड नहीं कर सकते, अगर 5 होती तो 5 में 4 जुड़ जाते और 4 ना हो जाते, लेकिन जब x आ गया उसके साथ तो नहीं जुड़ सकते, सिंपल है। तो ये हो गया अब, और दूसरे का क्या सीन होगा, ये 7x था तो इसमें भी 4 साल, क्योंकि बड़े तो दोनों हो गए ना, तो इसमें भी 4 जुड़ गया, ये तो इनकी 4 साल बाद की उम्र हो गई। लेकिन अब बोल रहा है दोनों की 4 साल बाद की उम्र का योग, दोनों की आयु कितनी होगी, वो होगी 56। कब, 4 साल बाद, या फिर ऐसे लिखो दोनों की आयु 4 साल बाद, लिख सकते हो दिखाने के लिए, 4 साल बाद कितनी होगी, 56। तो देखे ऐड कर लो, क्योंकि दोनों की आयु का योग कह सकते हो, योग दोनों की आयु का सिंपल लिखो, नहीं माने जरूरत नहीं है, दोनों की 4 साल बाद दोनों की आयु का योग, 4 साल बाद दोनों की आयु का योग, जो कि उनको दे रखा है सवाल में 56 साल, 56 है साल नहीं है। तो देखे क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि योग क्लियरली बोल रखा है, तो उनको क्या करना है, दोनों का योग करना है। तो 5x प्लस का 4, इसको ऐड करना है किसमें, 7x प्लस का 4, क्योंकि 4 साल बाद दोनों की यही होगा, और कितना देगा, 56। तो देखो जब हमको पता है कि अभी इसके कुछ सॉल्यूशन हो नहीं सकता, दोनों का एक्स का रिंग बिना एक्स का नंबर है, तो इनको ब्रेक हटा देंगे, तो हटाया 5x का 4 प्लस 7x प्लस का 4 इक्वल टू 56। तो देखो x x की संख्या जोड़ देंगे और बिना x की संख्या जोड़ देंगे, तो 5x और 7x कितना हो जाएगा, 12x प्लस 4 और 4 8 एंड फाइनली 56। x का शिकार करना है, इसका मान ज्ञात करना है, क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर, ठीक है, 8 को ऐसे कैसे, हमको पता है इसी सवाल की तरह जब प्लस की संख्या को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो माइनस में चेंज हो जाती है, तो 12x तो यहां पर आ गया 56, और 8 को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 56 में से 8 गया तो 48, और 12x यहां पर है, x का हमको मान ज्ञात करना है, तो x तो यहां रख दिया, और हमको पता है 12x के साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, और गुणा की संख्या को हमने पढ़ा हुआ है अगर बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो भाग बदल जाता है, तो 48 तो था ही, 12 नीचे जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 12 एकम 12 12 चौके 48, x का मान आ गया हमारा 4। पूछा है हमसे कि दोनों राहुल और हारून की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु समझेंगे, पहले राहुल की ले लेते हैं, राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी, राहुल की वर्तमान आयु, देखो राहुल की वर्तमान आयु कितनी थी, 5x, और हमको x का मान पता है, तो हम क्या करेंगे, 5x की जगह 4 और बराबर, देखो x क्या था, ये 5x थी, तो x का मान 4 रख दिया, 5 चौका 20 वर्ष हो गई राहुल की। हारून की अगर बात करें, हारून की वर्तमान आयु, तो वो कितनी होगी, 7x, ठीक है, तो 7 तो लिख दिया, x का मान ज्ञात किया 4, तो 7 चौके 28 वर्ष, तो ये इसकी होगी 28 वर्ष और इसकी होगी 20 वर्ष। तो इस प्रकार दोनों की आयु में ज्ञात की है, तो आयु गैप के इस टाइप के जो भी सवाल है उनको आप आराम से कर सकते हो, चाहे उनका योग दे रखो हो, जो भी आपका फर्क है, ये बीच में चेंज आता है तो इसका आता है कि कितने साल का फर्क है, तब जाके करना है। तो इसी प्रकार से हमारे सवालों को समझते हुए और
अपने मैथ के डाउट क्लियर करते हुए, मैथ का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए हमारे वीडियो को प्यार करें, लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।